कैसा? ये पता नहीं कौन है कांग्रेस की, मुझे मालूम नहीं। मैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम का कांग्रेसी हूँ। प्रदेश कांग्रेस का यूथ का प्रेसिडेंट रहा, ऑल इंडिया का रहा, पर अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। बचपन से लेके खालिस्तान की मूवमेंट बाद में शुरू हुई, उससे पहले था। मैं 370 धारा के खिलाफ हूँ, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कांग्रेस के अंदर कि मेरी आवाज़ को कहीं रोक दे। जब 93 में ब्लास्ट हुआ, दाऊद इब्राहिम ने किया बॉम्बे के अंदर, दिल्ली में हुआ ली मैरिडन के मेरे ऊपर 45 किलो RDX के साथ, हिंदुस्तान के चारों बॉर्डरों को तिरंगे झंडे लेकर के हर बॉर्डर पे 2-2 लाख की, 1-1 लाख की भीड़ थी जनाब। ये पता नहीं कौन सा कांग्रेसी है। और जहां तक गुलाम नबी आजाद की बात, नहीं ये पता नहीं कौन था, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं? नहीं ये कश्मीर, अरे मैं ये आज आए हैं सर, ये तो मैंने है ना, मैं गुलाम नबी आजाद की बात करता हूँ। जब पंजाब में आतंकवाद था तो गुलाम नबी आजाद पंजाब का इंचार्ज था। हम भी मौत का कफन बांध के रेड टर्बन ब्रिगेड निकाल के निकले कि खालिस्तान बनने नहीं देंगे। हमने तो नहीं कहा सिख, हम सिख हैं पर पहले प्रथम राष्ट्र। आज गुलाम नबी आजाद ने पूरी बची हुई कांग्रेस जो पूरे देश में कहीं कहीं समाई थी, सबको समाप्त कर दिया जो गुलाम नबी आजाद ने, क्योंकि उसने अपने आप को समझा मैं जम्मू कश्मीर का हूं, मैं एक मुसलमान हूं। मैंने क्या कहा, मैं प्रथम राष्ट्र हूं। तो बेअंत सिंह ने शहादत दी, सबने शहादत दी, आज पंजाब में अमन शांति दिया। एक व्यक्ति की विचारधारा कम से कम पूरे कांग्रेस के वर्करों को तो पूछ लेते, भैया हमें क्या कहना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी क्या इनकी जगीर हो गई? कांग्रेस का खून, बेअंत सिंह ने शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दी। आजाद कहते हैं सेना सिविलियंस को मार रही है, अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर कहते हैं कश्मीर इंटेग्रल पार्ट या नहीं है, इस पर आप सोचिए। बोलने वाले हैं कौन? चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, बड़ी पीछे से कहा जाता है कांग्रेस है कौन? जो जितने नेताओं का नाम लीजिए सर, सारे के सारे जाता है, ये वही बोलते हैं। मेरी तरह खड़े हो ना, आज मैं खड़ा हूँ ना, को कह के तो दिखाए मेरे से एक बार, वो एक बार आप टक्कर देखिए, अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह की क्या टक्कर हुई सदन के अंदर, तब आपको समझ में आएगा किस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने सबूत मांग लिए कि भाई कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है या नहीं, पहले इसके तो सबूत दे दीजिए।